असलकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना है सिमेट्रिक समेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताया था अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप वहाँ से देख लें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है अ स्क्वेयर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज स्मेट्रिक मैट्रिक्स वो है जिसमें हमारे पास एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है और वो अगर इक्वल हो अपने ट्रांसपोज के स्क्वेयर मैट्रिक्स इफ स्क्वेयर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज देन इट इज कॉल्ड समेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स हो और फिर वो अपने ट्रांसपोर्ट के इक्वल भी हो स्क्वेर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी इंट्रेस्ट कुछ इस तरह से है मेरे पास वन टू थ्री टू माइनस वन फोर थ्री फोर ज़ीरो अब देखें कि मेरे पास एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है कैसी स्क्वेयर मैट्रिक्स है इसकी रोज़ और कॉलम का जो नंबर है मींस नंबर ऑफ़ कॉलम्स या नंबर ऑफ़ रोज जो हैं मेरे पास सेम है कैसे इसमें वन टू थ्री रोज़ हैं इसी तरह से वन टू थ्री कॉलम्स हैं तो इसका साइज़ मेरे पास थ्री बाई थ्री है तो जब हमारे ओ, जब हमारे पास किसी तरह का साइज़ हो टू बाई टू थ्री बाय थ्री फोर बाई फोर वन बाय वन तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्र मैट्रिक्स होता है और अब इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है ट्रांसपोज लेना भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया था कैसे ट्रांसपोज लेंगे इंटरचेंज कर देंगे रोज़ को एंड कॉलम्स को फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया इधर सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया और ये मेरे पास निकला है ट्रांसपोज अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी कि स्क्वेयर मैट्रिक्स हो स्क्वेयर मैट्रिक्स था फिर कंडीशन थी कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास जो हम निकालें तो वो ए के इक्वल ही हो मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल हो ए के तो ए हमारे पास था वन टू थ्री टू माइनस वन फोर थ्री फोर ज़ीरो जब मैंने इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है तो वो भी मेरे पास वन टू थ्री टू माइनस वन फोर थ्री फोर ज़ीरो आया है मीन्स मेरे पास ए का ट्रांसपोज जो है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है तो ये मैट्रिक्स मेरे पास मेट्रिक मैट्रिक्स है इसने सिमेट्रिक मैट्रिक की दो कंडीशन जो थी वो दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर दी हैं तो ये मेरे पास मेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ठीक है थीके? तो ये तो हो गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूं लेट्स सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी और इसका मैंने बताया कि सिमेट्रिक है कि नहीं टू फोर माइनस वन फाइव थ्री टू इसका मैंने फाइंड आउट करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं तो सबसे पहले मैं इस पर डेफिनेशन अप्लाई करती हूँ डेफिनेशन क्या कहती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि अ स्क्वेयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स तो पहले तो हमने ये देखना है ना कि ये बी मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स है भी कि नहीं तो हम ये चेक कर लेते हैं बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं ये देख लेते हैं इसमें ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है ये थर्ड रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वन कॉलम वन टू कॉलम टू तो बी मैट्रिक्स तो हमारे पास स्क्यर मैट्रिक्स नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के नंबर ऑफ रोज थ्री हैं जबकि नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास टू हैं तो ये तो इक्वल नहीं है तो पहली कंडीशन ही हमारे पास फेल हो गई है जो पहली कंडीशन थी कि मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स हो तो बी तो स्क्वेयर मैट्रिक्स है ही नहीं तो हम इसको अगली कंडीशन तो देखेंगे नहीं इसकी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास नहीं हो सकता इसीलिए हमारे पास कंडीशन होती हैं कि मैट्रिक्स को स्क्वेयर मैट्रिक्स होना चाहिए क्यों वो इसीलिए होती है कि मैट्रिक्स स्क्वेयर होगा तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन को फुलफिल करेगा ना तो अगर आपको पूछे कोई कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपसे कोई पूछे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वेयर क्यों हो स्क्वेयर होना क्यों जरूरी है तो आपने उसको इस तरह से कोई ऐसा मैट्रिक्स ले ले लें जो स्क्वेयर ना हो फॉर एक्जाम्पल अपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेना है और बताने हैं कि ये मेरे पास सिमेट्रिक नहीं हो सकता क्यों क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलती है कि इस मैट्रिक्स को स्क्र होना ज़रूरी है जबकि ये स्क्र मैट्रिक्स नहीं है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं हो सकता क्यों कहता है कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वेयर मैट्रिक्स हो इसलिए क्योंकि जब हम लोग इस पर ट्रांसपोज निकालेंगे इसका जैसे कि अगर मैं बी का ट्रांसपोज निकालती हूँ तो वो किसी भी सूरत सेम नहीं आ सकता जैसे कि हम निकाल लेते हैं हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेते हैं तो देखें ना हमारे पास जो बी का ट्रांसपोज निकला है वो बी की कुल नहीं आ सकता साइज़ ही टोटल डिफरेंट है यहाँ पे हमारे पास साइज़ था इसका जो ऑर्डर था वो था थ्री बाय टू के नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास थ्री थे और नंबर ऑफ कॉलम टू थे यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो हो गया हो है टू रोज़ हो गए हैं और थ्री कॉलम हो गए हैं ट्रांसपोज भी हमारे पास सही नहीं निकला ट्रांसपोज कहाँ से है? मैं देखें यहाँ पे ये टू फोर है यहाँ पे टू माइनस वन थ्री इस तरह से तो ये चीज़ हमारे पास मेजब करती है और ठीक नहीं निकलती तो ये तो कंडीशन होगी हमारे पास स्क्यर मैट्रिक्स का बताने की कि डेफिनेशन में स्क्वेयर मैट्रिक्स का जिक्र क्यों होता है और ये भी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन है उसको स्क्वेयर होना ज़रूरी क्यों है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन है कि मैट्रिक्स तो स्क्वेयर मैट्रिक्स हो सबसे पहले देन स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड सॉरी स्क्वेयर मैट्रिक्स इज कॉल्स्यू मैट समेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज एक टू माइनस ए अगर ए का ट्रांसपोज हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा इसमें भी हमारे पास स्क्यूसमेट्रिक की कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्समेट्रिक होना जरूरी है और जो स्क्यू सीट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है वह ए ट्रांसपोज इक्ल्स टू माइनस ए आपने ये चीज़ें याद रखनी है बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको ये कहा गया हो कि ये चीज़ दी गई हो कि ए ट्रांसपोज एक टू माइनस है पूछा गया हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इस तरह की आपको एम में फोर ऑप्शन होंगी तो ये चीज़ें आपने सही तरह से अपने माइंड में रखनी है अगर इसको वर्ड्स हमने एक्सप्लन अच्छा तो इन वर्ड्स हम इस डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड a matrix a square matrix a square matrix is called skew symmetric skew symmetric matrix if it is equal if its transpose Is equal to its negative of matrix. For example, for example, we have matrix A. एंड वी हैव इट्स इंट्रीज ज़ीरो टू थ्री हमारे पास इसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं जीरो टू थ्री माइनस टू जीरो वन माइनस थ्री माइनस वन जीरो इफ ए हमारे पास ये है देन हमने इसका फाइंड आउट करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कंडीशन क्या है ए का ट्रांसपोज निकालना है और उसके ट्रांसपोज कई होना चाहिए उसकी नेगेटिव ऑफ फेक के तो मैंने इस ए -A का ट्रांसपोज निकाल लिया ट्रांसपोज हम बार बार निकाल रहे हैं मुझे उम्मीद है बच्चों आपको अब तक, तक इसका ट्रांसपोज निकालना आ गया होगा मैंने रोज को इंटर रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है मैंने फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया ज़ीरो टू थ्री मैंने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया माइनस टू ज़ीरो तो, वन थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया तो मेरे पास इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो निकल आया है अब मैंने इसका नेगेटिव ए निकालना है मतलब मैंने इसका माइनस ए निकालना है तो मैं क्या करूँगी मैंने दोनों साइड्स पे ए मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन ले लिया ए मैट्रिक्स के दोनों साइड्स मैंने माइनस ए ले लिया ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या था ज़ीरो टू थ्री माइनस टू ज़ीरो वन माइनस टू ज़ीरो वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो माइनस से हो गया मेरे पास अब जो मेरे पास ये माइनस का है को मैं अंदर ले जाती हूँ ज़ीरो तो रहेगा ये माइनस टू हो गया ये माइनस थ्री हो गया ये माइनस माइनस प्लस टू ज़ीरो माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस वन एंड ज़ीरो ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ़ ए. अब हमने चेक करना है कि नेगेटिव ऑफ़ ए की जो वैल्यू है वो क्या ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू इक्वल है ये मेरे पास आई वैल्यू नेगेटिव ऑफ़ ए की मतलब माइनस ए की जो कि है ज़ीरो माइनस टू माइनस थ्री तो मैं चेक करती हूँ कि ये ए ट्रांसपोज इक्वल है कि नहीं ए ट्रांसपोज ज़ीरो माइनस टू माइनस थ्री टू जीरो माइनस वन टू ज़ीरो माइनस वन थ्री वन ज़ीरो थ्री वन ज़ीरो सो so, मेरे पास ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया है नगरी वे के कंडीशन मेरे पास सेटिसफाई हो गई है किसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो मैंने अब बता दिया कि स्क्यू स्क्यू ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह से निकाला जाता है आपके पास कोई भी मैट्रिक्स की बना होगा सबसे पहले आपने उसका ट्रांसपोज निकालना है फिर आपने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है अगर उसका ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं तो वो हमारे पास सिमेट्रिक है लेकिन अगर वो दोनों आपस में डिफरेंट हैं, हैं उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं साइंस डिफरेंट हैं तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके जहन में कोई सवाल है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई सजेशन देनी है मुझे कोई एडवाइस देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं बाकी जो फर्दर कुछ टाइप्स मेरी रह गई हैं वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी तब तक लिएफ़